ऑन होने के बाद कुछ ऐसा इसका लुक, और ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये बजाज पल्सर RS 200 के बारे में मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ। एक फुल फेयरिंग स्पोर्ट्स बाइक है और यूथ को काफ़ी पसंद आता है, स्पेशली जो कॉलेज गोअर्स हैं उनको काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है बाइक, और ऑफिस वगैरह के पर्पज में भी आप ले रहे हैं तो उस पर्पज में भी काफ़ी अच्छा काम करने वाली है। ओवरऑल जो यंगस्टर्स हैं उनको ज़्यादा ये बाइक जो है वो पसंद आएगी। यहाँ पर इसके विंड वाइजर को देखते हैं तो कुछ इस तरह से आपको ये ट्रांसपेरेंट में दिखने वाला है, काफ़ी बड़ा रखा गया है। 2 पॉइंट एडजस्टेबल इसका आ जाता है रियर व्यू मिरर, जो कुछ इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं 2 पॉइंट पर, 1 पॉइंट यहाँ हो जाता है, दूसरा यहाँ, और मॉडर्न एज कटिंग इसका रियर व्यू मिरर मिल जा रहा है, कुछ इस तरह से इसका एज कटिंग रखा गया है, तो काफ़ी खूबसूरत इसका लुक हो रहा है इसके रियर व्यू मिरर का। और यहाँ पर आ जाएगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट टॉप पर, और इसमें आपको मिलने वाला है डुअल टोन कलर, व्हाइट एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन रखा गया है, ग्लॉसी ब्लैक एंड यहाँ पर ग्लॉसी व्हाइट कलर का एक कॉम्बिनेशन देख लीजिए, कुछ इस तरह से दिखने वाला है। DRL लाइट का पैटर्न देखें तो कुछ इस तरह से दिखने वाला है। LED लाइट का इस्तेमाल किया गया है। इसके हेडलैम्प में आपको मिलने वाला है प्रोजेक्टर हेडलैम्प, कुछ इस तरह से दिखने वाला है, और डे रनिंग लाइट है, कुछ ऐसे दिखने वाला है, येलो कलर से इसकी लाइट आ जाएगी। हैलोजन लाइट का इस्तेमाल किया गया है। अभी मैं इसके लाइट को ऑफ करता हूँ और ओवरऑल अपीयरेंस है कुछ इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पर साइड इंडिकेटर आप देखिए LED लाइट के साथ में आ रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको अल्ट्रा एज आपको मिलने वाली हैं, जो कि काफ़ी आपको अट्रैक्टिव लगेगी। और यहाँ पर इसके मडगार्ड को देख लेते हैं, कार्बन फाइबर फिनिश के साथ में दिया गया है इसका फ्रंट लुक, और मैट फिनिश में आ रहा है, और रियर लुक कुछ इस तरह से हो जाने वाला है फ्रंट मडगार्ड का। और यहाँ पर दोनों साइड में मिल जाएगा ABS का ये ब्रांडिंग। बात करें हम इसके सस्पेंशन का, तो फ्रंट में मिल रहा है आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और सस्पेंशन पर ही दे दिया गया है कॉर्नरिंग रिफ्लेक्टर जो कि रेक्टेंगुलर शेप में आ रहा है। और रियर सस्पेंशन मिलने वाला है नाइट्रॉक्स मोनोक्रॉस सस्पेंशन, यहाँ पर आप देखिए इसका लुक जो है कुछ इस तरह से दिखने वाला है। इसके सस्पेंशन के बाद आ जाते हैं हम इसके ब्रेकिंग सिस्टम पर, आगे और पीछे दोनों मिल रहा है ABS। और यहाँ पर डिस्क का साइज देख लीजिए, रोटो पेटल डिस्क इस्तेमाल किया गया है, कुछ ऐसा इसका लुक आने वाला है। और यहाँ पर जो ये आप होल देख रहे हैं, इसका एडवांटेज ये होता है कि हीट जो है ब्रेक अप्लाई होने के बाद जो हीट होता है उसको ये ट्रांसफर करता रहता है, तो इसका जो साइज है वो चेंज नहीं होता, तो आपका जो ब्रेक है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है। और यहाँ पर ब्रेक कैलिपर देख लीजिए, बीबर का इस्तेमाल किया गया है। और रियर डिस्क का साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और रियर में भी आपको मिलने वाला है ABS। तो एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम का एक अपना एडवांटेज होता है, किसी भी सर्फेस पर आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो पिन टू पिन काम करता है, स्लिप होने के चांसेस नहीं होते हैं, तो इस तरह से आप देखिए तो काफ़ी सेफ हो जाती है बाइक। सिंगल चैनल हो तो भी अच्छा काम हो जाता है, और डुअल चैनल हो तो फिर तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बाद आ जाते हैं इसके व्हील को देखते हैं, तो बॉडी कलर से मैच होता है, ये इसके एलॉय व्हील को देख लीजिए जिसको व्हाइट कलर से रखा गया है। इसके स्पोक्स को कुछ ऐसा डिजाइन दिया गया है यहाँ पर आप देखिए, और बॉडी कलर से मैच होता हुआ व्हील, तो ये काफ़ी जो लुक है इसका चेंज हो जा रहा है। और व्हाइट कलर जो है बाइक का वो इतना फ्रिक्वेंटली आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, कार में तो कॉमन होता है लेकिन बाइक में इतना कॉमन नहीं होता, और वो भी व्हील जब उसका वाइट हो जाए तो और बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ये कॉम्बिनेशन मिल जा रहा है। और बात करें हम इसके व्हील के रेडियस का, तो 17 इंच का रेडियस रखा गया है, आगे और पीछे दोनों में सेम आपको मिलने वाला है। और साइज टायर का जो है 100x80 है, ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल किया गया है। रियर टायर की बात करें तो रियर टायर आपको वाइड मिलने वाला है, 130x70 का साइज आपको मिल रहा है रियर टायर का, और रियर अगर आपको मिल रहा है स्प्लिट में, और स्प्लिट तो इसको किया गया है लेकिन आप देखिए तो ज़्यादा इसमें कुछ स्प्लिट जैसा आपको थ्रिल नहीं आने वाला है। फ्रंट पोर्शन जो है इसके मडगार्ड का ये कार्बन फाइबर फिनिश से आ जा रहा है, रियर जो है ये मैट फिनिश से ही रखा गया है। एक्चुअली ये होना उल्टा चाहिए था, तो थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता था, फिलहाल कंपनी ने खुद सोचा होगा। तो इसके व्हील सस्पेंशन ब्रेक के बाद आ जाते हैं हम इसके फेयरिंग को देख लेते हैं, तो इसके हेडलैम्प से लगते हुए इसका जो फेयरिंग है कुछ इस तरह से आपको मिल रहा है, फुल फेयरिंग है। फेयरिंग का डिजाइन कुछ ऐसे रखा गया है, यहाँ पर आपको नेट का डिजाइन हो जाएगा। पीछे में देखेंगे तो कार्बन फाइबर फिनिश का टेक्स्चर दिया गया है। और ग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ पर रेड एंड व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, 200 का जो ब्रांडिंग है रेड से किया गया है, तो ये काफ़ी खूबसूरत हो जा रहा है। और ग्लॉसी व्हाइट है, और जो लोअर पोर्शन है यहाँ पर आप देखेंगे अंडर कॉल जो इसका बन रहा है इसके फेयरिंग से, तो कुछ ये यहाँ पर इसकी विजिबिलिटी आ जा रही है। इंजन का जो पोर्शन है वो बहुत थोड़ा सा दिखता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो काफ़ी छोटा सा पोर्शन इंजन का विजिबल हो जाता है। और राइडर के साइड से हम इसको देखें तो अंडर फ्यूल टैंक जो शेप है कुछ ऐसे डॉटेड फिनिश से दिया गया है, ब्लैक रखा गया है। टॉप पर 3D में आ जाएगा पल्सर की ब्रांडिंग। और इसके फ्यूल टैंक के लेड की शेप की बात करें तो ये सिल्वर कलर से दिया गया है, कुछ ए शेप आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाता है। राइडर के साइड से कुशन कुछ ऐसे दिया गया है, तो इस कुशन का भी एक अपना एडवांटेज होता है, राइडर के लिए सेफ और कंफर्टेबल राइड हो जाता है। और यहाँ पर फ्यूल टैंक के शेप को भी देख सकते हैं, एयर रेजिस्टेंस को भी यहाँ पर न्यूट्रलाइज करेगा, और इसके साथ साथ कम हाइट का आदमी भी हो तो उसके लिए भी चलाना इसको हैंडल करना आसान हो जाएगा। और बात करें हम इसके सीटिंग अरेंजमेंट का, तो स्प्लिट में
टू लेवल सीट रखी गई है और एज कटिंग इसके सीट का देखिए कुछ ऐसे है जो मैक्सिमम हीट का सर्कुलेशन करता रहे, डॉटेड फिनिश दिया गया है तो कुछ ये यहाँ पर पैटर्न बन जाएगा और सेंट्रल लुक आने वाला है कुछ ऐसे यहाँ पर नेट के डिज़ाइन के साथ में। और यहाँ पर रियर लुक की बात करें तो यहाँ वाइट पर RS 200 का ब्रांडिंग जो है कुछ ऐसे हो जाने वाला है, रेड कलर से यहाँ पर ग्राफिक्स आ जाएगा। और आ जाते हैं अभी हम इसके टेल अपीयरेंस पर और इसके जो ग्रैब रेल है, पुल पेयरिंग बाइक है तो इसमें यदि ग्रैब रेल बाहर देता तो अच्छा नहीं लगता, तो इसका जो ग्रैब रेल है अंडर बॉडी कर दिया गया है। तो कुछ ये डिज़ाइन आप यहाँ देख सकते हैं एज ए ग्रैब रेल, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे आपको हाथ रखना पड़ेगा। और इसकी जो टेल लाइट है ये काफ़ी खूबसूरत मुझे लगती है, थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन दिया गया है यहाँ पर, आप देखिए ऑन होने के बाद कुछ ऐसा इसका लुक। और ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये तो RS 200 का जो ब्रेक लाइट है ये अपने आप में एक सिग्नेचर लाइट है, ये यूनिक हो जा रहा है। वाइट कलर का कवरिंग दिया गया है और इस पर जो लाइनिंग है ये रेड कलर से दो कुछ इस तरह से दे दी गई है। यहाँ आ जाएगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और रियर रिफ्लेक्टर यहाँ पर माउंट किया गया है। और लेफ्ट साइड में आपको मिलने वाला है साड़ी और दुपट्टा के प्रोटेक्शन के लिए गार्ड, और यहाँ पर मिल जा रहा है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं इसके सेफ्टी एंड कम्फर्ट के फीचर में। अभी मैं आप लोगों को इसका इंजन डिटेल बताऊँ, 199.5 सीसी का फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ट्रिपल स्पार्क, फोर वाल्व, लिक्विड कूल्ड इंजन इसमें माउंट किया गया है जो मैक्सिमम पावर देने वाला है 24.5 पीएस का, और पीक टॉक आपको मिलने वाला है 18.7 न्यूटन मीटर का 8000 आरपीएम पर। बात करें हम इसके गियर अरेंजमेंट का तो इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलने वाला है, फर्स्ट डाउन 5 अप, तो कुछ ए इसमें आपको अरेंजमेंट मिल जाएगा इसके गियर में। और इसी के साथ डायमेंशन भी बता देता हूं, तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये रखा गया है 157 mm का, व्हील बेस 1345 mm मिल रहा है, और इसकी जो ओवरऑल हाइट है 1114 mm की है, और कर वेट हो जाएगा 166 kg का, तो 166 kg इसका कर वेट हो जा रहा है। एक तरह से देखिए तो वेट जो है वो थोड़ा सा हायर साइड में है, लेकिन फुल पेयरिंग बाइक है तो इतना तो वेट होना ही था। और इसके साथ साथ अभी मीटर कंसोल को देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है सेमी एनालॉग इसका मीटर कंसोल, कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा यहाँ पर, फ्यूल इंडिकेशन, टाइम और साइड स्टैंड का भी इंडिकेशन यहाँ पर आपको मिल रहा है, स्पीडोमीटर और दो ट्रिप का इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। और यदि ओडोमीटर का देखना है तो यहाँ से ही आपको ये स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये ओडो का आप देख सकते हैं। और दूसरे जो आइकॉन है जैसे बैटरी का, इंजन चेक लाइट और यहाँ पर बजाज का लोगो, गाड़ी न्यूट्रल में है या गियर में, और ये आपका आरपीएम, तो ये सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इसके मीटर कंसोल से। और बात कर लेते हैं हम इसके कंट्रोल स्विचेस का, तो लेफ्ट साइड में आपको ये चार मिल रहा है, पासिंग लाइट, अपर एंड डिपर, लेफ्ट राइट का इंडिकेटर, हॉर्न, और राइट साइड में आपको ये दो स्विच मिल जा रहा है, किल स्विच और यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए। बजाज की सबसे अच्छी बात ये लगती है पल्सर सीरीज का कि इसके जो कंट्रोल स्विचेस हैं वहाँ पर आपको ये लाइट मिल जाता है, जिससे आप अंधेरे में भी इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो लो विजिबिलिटी एरिया होता, जो अंधेरा होता है उस समय काफ़ी अट्रैक्टिव भी दिखता है, और डे टाइम में भी काफ़ी अच्छा खूबसूरत लुक मिल जाता है इसके कंट्रोल स्विचेस के आइकॉन का। और यहाँ पर जो इसका रेसिंग बार है स्प्लिट में रखा गया है। और बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी का, तो 13 लीटर है, माइलेज आपको 35 के आसपास मिलेगा। ऑन रोड प्राइस इंक्लूडिंग एवरीथिंग पड़ने वाला है 2 लाख रुपीज़, अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है, एक्चुअली इसका प्राइस 2,03,000 रुपया है, तो अभी आपको इसमें 3,000, और यदि आप आकर कुछ और बार्गेनिंग कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत और हो जाएगा, तो 2 लाख तो फिलहाल मैं आपको ऑफिशियली इसका प्राइस बता रहा हूँ, तो कुछ करा सके तो अच्छी बात। और फाइनेंस भी इस पर आपको हो जाएगा 80-85% जितना आप लोन करा सकते हैं, 10 ईयर पीरियड 1 से 4 साल तक का आप ले सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8 से 10% के बीच में वेरी करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।